सोलन में कोरोना ने अब तेजी से अपने पैर पसारने आरंभ कर दिए हैं। ये सभी शहरवासियों के लिए खतरे की घंटी है। अगर अभी भी शहरवासी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए नियमों का पालन करते हैं तो संक्रमण पर फिर से नियंत्रण किया जा सकता है। अगर शहरवासियों ने संक्रमण को हल्के में लिया तो ये स्थिति बेहद चिंताजनक हो सकती है। ये बात सोलन जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि ये देखा जा रहा है कि जिलावासी कोरोना बीमारी के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो नियम उन्हें जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा बताए गए हैं उनका सख्ती से अनुसरण नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारों के बाद जिला में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पहले कोरोना संक्रमण 10% की दर से बढ़ रहा था, लेकिन अब ये 20% दर से फैल रहा है, जो एक चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि इसकी सबसे बड़ी वजह त्योहारों के समय में जिलावासियों द्वारा नियमों का पालन न करना है। वे बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बाजारों में घूम रहे थे, जैसे कोरोना प्रदेश से समाप्त हो चुका है, लेकिन अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जिलावासी अभी भी चौकन्ने नहीं हुए तो आने वाले दिनों में और संक्रमण की रफ्तार और भी बढ़ सकती है। कहना तो सही होगा कि त्योहार के बाद कोरोना का रुख तेज हुआ है। इसमें लोगों ने एहतियात कम बरती थी, त्योहार में वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक आए थे और ना मास्क पहना हुआ था, तो बाजार में वो ओवर क्राउडिंग का माहौल बना हुआ था, तो इस वजह से कोरोना का फैला है। तो जैसे हमारी पहले पॉजिटिविटी रेट 10-12% था, अब 18-20% के करीब आ गया है। अभी तक हमने 49,000 के करीब टोटल टेस्ट किए हैं, जिसमें पॉजिटिव 4,432 लोग आए थे, और अगर अभी एक्टिव केस जो है हमारे पास 629 हैं, जिसमें से 587 लोग होम आइसोलेशन पे हैं। देखो जी, लोगों को तो हम यही कहेंगे कि अनावश्यक काम के कारण बाहर मत निकलें, घर के अंदर ही रहें और मास्क पहने, मास्क को अच्छी तरह पहने, और जब बाहर निकलना हो तो 2 गज की दूरी बनाएं और बार बार अपना हाथ धोएं। अगर हाथ धोना संभव नहीं है तो तब वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और ये जो यंग लोग हैं, ये मत समझें कि उनको बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा मत समझें, क्योंकि अगर वो संक्रामित हो जाते हैं और घर में अपने आते हैं तो जो छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं वो उनके कारण बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, और वो मतलब कुछ भी उनके साथ घातक हो सकता है, तो वो अपने आप को बचा के रखें।